लोकसभा चुनाव से पहले न जाने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे। आज सुबह खबर सामने आई कि कल यानी कि 23 फरवरी को असम में मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट को जो है वो खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब वहां पर जो शादियां होंगी वो शरीयत के हिसाब से नहीं होंगी। शरीयत का जो कानून है, जो इस्लामिक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें होती है, उसे ख़त्म कर दी गई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है यह आप तमाम लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग बात तो यूसीसी की करते हैं, लेकिन असल में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ला नहीं सकते हैं, इनकी इतनी हैसियत है नहीं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी कुछ ही दिनों पहले देखा कि एक स्टेट में यूसीसी लागू किया गया। यूसीसी जब लागू किया गया तो मालूम चला कि ये यूनिफॉर्म कहाँ से हो सकता है। उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया गया, जैसे एसटी पर वो लागू नहीं होता है, ट्राइबल्स पे वो लागू नहीं होगा। तो भैया जब लागू नहीं होगा तो फिर यूसीसी कैसा है? असल यकीनन जो ये पूरी तरीके से जो पॉलिसी बनाई गई है, जिस तरह की हरकतें की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है। जिस तरह से असम से ये खबर सामने आई, सुबह सुबह मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा ये खबर दी गई और लोगों को ये बात बेहतरीन समझ में आ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खास धर्म मजहब को बार बार परेशान करने की कोशिशें हो रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वोटरों को और खुशियां दे सके कि देखो हम उन्हें कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही है और उसके बाद वहां के नेता के द्वारा ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि यह हमारा फर्स्ट स्टेप है यूसीसी लागू करने के लिए। यूसीसी लागू करने के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर आपको यूसीसी ही लागू करना है तो आप पूरे केंद्र में क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं, क्यों नहीं तुरंत कर दे रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत हो रही है कि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से कानून पारित करेंगे? दूसरी बात, मैरिज एक्ट की बात रही, आप सीधे सीधे भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन से दिए हुए फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इन सब का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? यकीनन 2024 में लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने जो वोटर्स हैं उन्हें लुभाना है, और ये लुभाने का आजकल बहुत अच्छा सा ट्रेंड चला हुआ है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जा सके ताकि वहाँ से ज़्यादा वोट गेन किया जा सके। ये सब खेल हो रहा है और इस खेल के बारे में अब सब बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जिस तरह से कानून को तोड़ा जा रहा है, मड़ोरा जा रहा है, काम धाम से किसी को कोई मतलब नहीं सिवाय इस काम के कि मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाए ताकि अपने ख़ास वर्ग के लोगों से सपोर्ट लिया जाए और उसे वोट बैंक बनाया जाए। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी प्रधानमंत्री जी के हालात ठीक नहीं है। मोदी जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार हम जीते तो जीते लेकिन उस तरह से तो नहीं जीत पाएंगे जैसे जीतते थे। यही वजह है कि जो व्यक्ति 400 प्लस की बात करता था वो अचानक से 370 की बात करने लग गए हैं। और इन सब चीज़ों को हम तमाम लोग भी देख रहे हैं और वे लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद AIMM पार्टी, जिसे आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी नाम से जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है, उनके प्रवक्ता और उनके पूर्व विधायक वारिस पठान ने, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से नफरत करती है और नफरत की राजनीति कर रही है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुनिए। बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने आसाम में जो लाया है ये कानून, ये तो संविधान का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, जो फंडामेंटल राइट है, जो गारंटी करता है इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो किस तरह से ला रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है उनको मुसलमानों से नफरत है, टोटल मुसलमान विरुद्ध सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहले ट्रिपल तलाक का लेकर आ गए, अब ये मैरिजेस का लेकर आ गए। इनको किसी भी तरह से हमारी शरीयत के अंदर मदाखिलत करना है। क्यों, क्या जरूरत है? अब आसाम के अंदर अब अलग कानून चलाएंगे, दूसरी जगह पर अलग कानून चलाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और ये एक सोची समझी साजिश है यूसीसी लाने के लिए। अगर मुझे नहीं लगता कि चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती, बस यहीं पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाएंगे। तो दोस्तों सुना आपने, ये वारिस पठान है, AIMM के नेता है और उन्होंने सीधे सीधे
भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों ने सुनी है। किस तरह से उन्होंने जो है वो सीधे सीधे ये बात कही, मैंने आर्टिकल 27 भी कह दिया था, 25, 26 और 28 जो आर्टिकल है उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। और विश्व शर्मा जो कि असम के हैं, उन्होंने उनके बारे में ये बात कही कि बीजेपी गवर्नमेंट इज एंटी मुस्लिम और द लॉ डेट इज ब्रॉट बाई हिमंत बिस्व शर्मा इन असम, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 25, 27 एंड 28, 26 एंड 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द फंडामेंटल राइट, एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। द बीजेपी गवर्नमेंट हेट्स मुस्लिम, दे हेट्स अवर ईटिंग हैबिट्स। फर्स्ट दे ब्रॉट अ लॉ ऑन ट्रिपल तलाक एंड नाउ अ लॉ अगेंस्ट मुस्लिम मैरिज। वॉट इज द नीड फॉर अ डिफरेंट लॉ इन असम? As the elections are coming, they are trying to polarize. तो यही हकीकत है, यही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्य है। सत्य तो यह है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, और आप तमाम लोगों ने पूर्व में भी ये चीज़ें देखी है कि किस तरह से इस तरह के कानून लगातार लाए गए, और इनसे सिवाय वोट बैंक के भारतीय जनता पार्टी को कोई ख़ास मतलब नहीं है। वे लोग एक ख़ास मजहब, एक ख़ास धर्म के खिलाफ नफरतें पड़ोसते हैं और उसके बल पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।